नेक्स्ट हम लोगों ने क्यूब का सेकंड केस ले रखा है और इस सेकंड केस में हम लोग क्या करेंगे कि सिर्फ विजिबल फेसेस को हम लोग पेंट करेंगे, यानी बॉटम विजिबल नहीं होगा तो बॉटम को हम लोग छोड़ देंगे और बाकी के जो फाइव फेसेस है यानी जो लैटरल फेसेस और टॉप फेसेस हम लोग सभी को क्या कर देंगे, पेंट कर देंगे एक्सेप्ट बॉटम। और उसके बाद हम लोग फिर से वो सारी कैलकुलेशंस करेंगे कि थ्री फेस पेंटेड कितने होंगे, टू फेस पेंटेड कितने होंगे, वन फेस पेंटेड कितने होंगे, नो फेस पेंटेड कितने होंगे, वो सारी कैलकुलेशंस करेंगे। तो चेक करते हैं इसको, हमने एक क्यूब ले रखा है और इस क्यूब की हमने क्या कर रखा है, जितने भी विजिबल फेसेस हम सभी को पेंट कर देते हैं। इसका मीनिंग क्या है कि बॉटम जो है वो अनपेंटेड है, बॉटम अपना अनपेंटेड है, अनपेंटेड बॉटम, और बाकी जो फेसेस है वो सभी क्या है, पेंटेड है। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, एन का वैल्यू अभी हम लोग एन ले लेते हैं, बाकी ऐसे यहां पर हम लोग चेक करें तो एन क्या, ये फोर को वन पार्ट में डिवाइड कर रखा हमने, तो एन कितना है, एन इक्वल टू फोर का हमने यहां पर प्रॉब्लम ले रखा है। हमने जो यहाँ पर सिचुएशन लिया हुआ है n इक्वल टू 4 के लिए सिचुएशन लिया हुआ, तो यहाँ पर हम लोग वन बाई वन करके चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, थ्री फेस पेंटेड चेक करेंगे, थ्री फेसेस पेंटेड। तो थ्री फेसेस पेंटेड इस केस में हम लोग लेंगे तो एक तो ये आ जाएगा अपना वन, एक ये होगा टू, एक ये होगा थ्री और एक ये होगा फोर। ये चार होंगे जिनकी अभी भी थ्री फेस पेंटेड है, बॉटम तो पेंटेड नहीं है, तो अभी ये क्या होंगे, ये टू फेस पेंटेड में आ जाएंगे, ये भी टू फेस पेंटेड में, यानी जो नीचे वाले कॉर्नर है वो टू फेस पेंटेड में अब कंसीडर होंगे, अब वो थ्री फेस पेंटेड में कंसीडर नहीं होंगे। तो थ्री फेस पेंटेड में अपने पास कितने हो गए, फोर हो गए। नेक्स्ट हम लोग चेक करेंगे टू फेसेस पेंटेड में, तो टू फेसेस पेंटेड, तो टू फेसेस पेंटेड में अगर हम लोग काउंट करें यहां से, तो टू फेस पेंटेड में काउंट करेंगे तो सबसे पहले अपने पास क्या है, हम लोग काउंट करते हैं तो ये वन टू थ्री, ये भी टू फेस पेंटेड है, ये भी टू फेस पेंटेड है, ये भी टू फेस पेंटेड है, तो थ्री हो गए, और ये वन टू थ्री फोर, इस तरह के फोर वर्टिकल साइड से अपने पास, तो फोर मल्टीप्लाई बाई थ्री ट्वेल्व, तो ये हो गया। इसके बाद आ जाए इधर, ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट ये हो गए, यानी कितने हो गए, ये थ्री थ्री सिक्स एंड सिक्स ट्वेल्व और एट ट्वेंटी आ जाएंगे, यानी टू फेस पेंटेड अपने पास कितने हैं, ट्वेंटी हैं। इस पर थ्री थे, इस पर भी थ्री, इसके नीचे भी उस साइड भी थ्री, साइड भी थ्री, यानी यहां से करें हम लोग तो थ्री मल्टीप्लाइड बाई फोर प्लस यहां पर अपने पास ये टू 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 एंड टू, तो टू मल्टीप्लाइड बाई फोर, तो ये कितने आ जाएंगे यहां से, ट्वेल्व प्लस एट ट्वेंटी आ जाएगा, यानी टू फेस पेंटेड कितने हो चुके, ट्वेंटी हो चुके। तो थ्री फेस पेंटेड हमने टोटल कितना काउंट कर लिया, फोर काउंट कर लिया, टू फेस पेंटेड हमने काउंट कर लिया ट्वेंटी। अब हम लोग वन फेस पेंटेड की अगर काउंटिंग करें, वन फेस पेंटेड, तो वन फेस पेंटेड चेक करते हैं कितने हैं। तो वन फेस पेंटेड जब हम लोग काउंट करेंगे यहां से चेक करते हैं विजुअल फेस पर, ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये सिक्स है वन फेस पेंटेड, क्योंकि ये बॉटम से पेंटेड नहीं है, इसका सिर्फ ये दो विजिबल फेस है, ये दो विजिबल फेस पेंटेड होगा, तो यहां से सिक्स तो हो गया वन फेस पर। और इस तरह की अगर हम लोग क्या करें, इस तरह से वर्टिकल फेसेस देखें तो वर्टिकल फेसेस अपने पास फोर है, तो फोर मल्टीप्लाइड बाय सिक्स कितना हो गया, ट्वेंटी फोर, तो ये हो गया। और टॉप पर भी अपने पास है ये वन टू थ्री एंड फोर, ये भी वन फेस पेंटेड है, टॉप पर जो है अपने पास ये भी वन फेस पेंटेड है। तो पहले तो हम लोग वर्टिकल फेस यानी चारों तरफ देखे, तो एक पर कितना है सिक्स, तो चारों तरफ चार फेस है, तो सिक्स मल्टीप्लाई फोर ट्वेंटी फोर हो गया, सिक्स मल्टीप्लाई फोर ट्वेंटी फोर, और टॉप पर अपने पास कितना है फोर है, तो फाइव ही तो फेस था अपने पास जो भी यहाँ पर क्या है पेंटेड है। तो बाकी के जो फोर वर्टिकल फेसेस हैं उन पर एक पर सिक्स है, तो चार पर सिक्स मल्टीप्लाई फोर, और टॉप पर अगर बात करें तो फोर है, इन सबको ऐड कर दिया हमने, ये ट्वेंटी फोर प्लस फोर ये कितना जाएगा ट्वेंटी एट, तो ट्वेंटी एट अपने पास वन फेस पेंटेड है। अब हम लोग बात करेंगे नो फेस पेंटेड की, नो फेस पेंटेड, तो नो फेस पेंटेड चेक करते हैं। अब नो फेस पेंटेड में अगर हम लोग बात करेंगे तो यहां से फिगर को देखते हैं, ये टॉप पर अपने पास वन टू थ्री फोर, साइड से हम लोग क्या करेंगे एक एक लेयर हटा देंगे, एक लेयर रिमूव कर देंगे, तो टॉप पर वन टू थ्री फोर ये चार अपने पास क्या है पेंटेड है। उसके नीचे जब चलेंगे तो ये वन टू थ्री फोर चार लेयर का क्यूब है, बॉटम तक अगर टॉप लेयर से बॉटम लेयर की तरफ चलेंगे तो फोर लेयर्स का क्यूब है, जिसमें से टॉप लेयर क्या है ये पेंटेड है, तो उसके नीचे फोर लेयर्स के थ्री लेयर्स अपने पास, यानी फोर क्यूब्स के थ्री लेयर्स अपने पास, छोटे छोटे चार क्यूब और उस तरह का थ्री लेयर्स होगा जो बॉटम तक अनपेंटेड है। इसका मीनिंग क्या है कि एक लेयर में चार क्यूब और उस तरह के तीन लेयर्स हैं जो अनपेंटेड है, तो कितने हैं ट्वेल्व अपने पास हैं जो अनपेंटेड क्यूब्स हैं। तो यहां से हम लोगों ने ये चेक किया कि नो फेस पेंटेड कितने हो गए ट्वेल्व हो गए, और टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स यहाँ कितने हैं
तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स, टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स की अगर बात करें तो 4 था n, तो 4 क्यूब दैट इज 64 है। इसका मीनिंग क्या है कि इन सभी का जो समेशन है वो 64 आना चाहिए, तो अपना प्रॉब्लम सही होगा, अदरवाइज हम लोग भी चेक करेंगे। तो एक बार काउंट करते हैं, ये अपने पास 12 प्लस 28 ये 40 प्लस 20 60 प्लस 4 64, इसका मीनिंग क्या है कि हमारे सारे प्रॉब्लम्स वेरीफाई हो रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या कर लेंगे कि अगर बॉटम अनपेंटेड होगा तो उस केस को हम लोग इस तरह से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और वन बाई वन करके अपने प्रॉब्लम को चेक। नेक्स्ट हम लोगों ने केस थ्री ले रखा है, और केस थ्री में हम लोग क्या करेंगे, कोई भी दो ऑपोजिट फेस हम लोग अनपेंटेड रखेंगे, यानी यहाँ पर हम लोग फोर फेस पेंट करने वाले हैं और टू ऑपोजिट फेस अनपेंटेड छोड़ने वाले हैं। और इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, किस तरह से हमें काउंटिंग करना है उसके बारे में सोचेंगे और क्या क्या रिजल्ट्स मिलेंगे हमें। तो ये चेक करते हैं, हमने क्या कर रखा है, यहाँ पर एक क्यूब ले रखा है और इस क्यूब में अगर यहाँ पर हम लोग एन के वैल्यू की एन का वैल्यू फाइंड आउट करना चाहे तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, यानी एन इक्वल टू 5 का हमने एक क्यूब ले रखा है। अब इसमें हमें दो फेसेस ऐसे लेने हैं जो अनपेंटेड हो, तो हम लोग क्या करते हैं, एक तो बॉटम को अनपेंटेड रख लेते हैं, अनपेंटेड यानी अनपेंटेड हमने बॉटम ले लिया, एक तो ये हो गया, और इसके ऑपोजिट में टॉप है तो टॉप को भी हम लोग क्या कर देते हैं, अनपेंटेड ले लेते हैं। तो हमने बॉटम को भी अनपेंटेड कर लिया और टॉप को भी अनपेंटेड कर लिया। अब इसमें हमें क्या करना है, इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है, और इसी तरह से हमने वही प्रॉब्लम ले रखा है कि थ्री फेस पेंटेड कितने होंगे, टू फेस पेंटेड कितने होंगे, वन फेस पेंटेड कितने होंगे और नो फेस पेंटेड कितने होंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस प्रॉब्लम में थ्री फेस पेंटेड की, एन इक्वल टू 5 के लिए हम लोग अपना प्रॉब्लम चेक कर रहे हैं, यानी इसी क्यूब में हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो थ्री फेस पेंटेड की बात करें तो यहाँ पर कॉर्नर्स अगर लें, जैसे इस कॉर्नर की बात करें तो ये थ्री फेस पेंटेड नहीं है, टू फेस पेंटेड है, क्योंकि टॉप इसका पेंटेड नहीं है। तो यहाँ पर भी ये थ्री फेस पेंटेड नहीं, टू फेस पेंटेड में, ये भी टू फेस पेंटेड, ये भी टू फेस पेंटेड, ये भी टू फेस पेंटेड, यानी बॉटम भी है। इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पर थ्री फेस पेंटेड का तो कोई क्यूब ही नहीं है, तो थ्री फेस पेंटेड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस केस में थ्री फेस पेंटेड का कोई क्यूब हमें नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग टू फेस पेंटेड की बात करें तो टू फेस पेंटेड में अपना ये भी हो गया 1 2 3 4 5, यानी ये 5 है टू फेस पेंटेड, तो 5 इस पर आएंगे तो 5 इस पर भी होंगे, 5 इस पर भी होंगे और 5 उस पर भी होंगे, यानी जितने भी वर्टिकल अपने पास साइड जा रहे हैं, वर्टिकल साइड जो जा रहे हैं वो एक इच वर्टिकल साइड पर 5 ऐसे क्यूब है जो टू फेस पेंटेड है। तो वर्टिकल साइड अपने पास कितने हैं, 4 वर्टिकल साइड है, एक पर कितना क्यूब है, टू फेस पेंटेड 5 है, तो 4 वर्टिकल साइड पर कितने क्यूब होंगे, टू फेस पेंटेड, तो 5 × 4 कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। तो टू फेस पेंटेड कितने हो गए, 5 × 4 = 20 हो गए। हम लोगों ने टू फेस पेंटेड काउंट कर लिया, अब हम लोग वन फेस पेंटेड काउंट करें, तो वन फेस पेंटेड में काउंट करें तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो सिंगल फेस पर 15 ऐसे क्यूब्स हैं जो वन फेस पेंटेड है। और इस तरह का कितना वर्टिकल फेस है, टॉप और बॉटम की तो बात ही नहीं कर रहे, तो इस तरह के कितने वर्टिकल फेसेस है, 4 वर्टिकल फेसेस है, फ्रंट बैक लेफ्ट एंड राइट। तो सिंगल फेस पर कितने वन फेस पेंटेड है, 15, तो 4 फेसेस पर कितने वन फेस पेंटेड होंगे, 15 × 4, तो 15 × 4 कितना गया, 60 क्यूब्स है यहाँ पर जो वन फेस पेंटेड है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नो फेस पेंटेड की, तो नो फेस पेंटेड की बात करें टॉप वाले से स्टार्ट करते हैं, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी आउटर लेयर के क्यूब को हम लोग क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, बाकी जो बीच में अपने पास क्यूब है तो 3 × 3 का ये क्यूब है, अपने पास 9 क्यूब्स हैं, और इस 9 क्यूब्स के कितने लेयर हैं, 1 2 3 4 5 लेयर्स हैं, यानी एक लेयर में टॉप भी अनपेंटेड है बॉटम भी अनपेंटेड है, तो कंटिन्यू करेंगे हम लोग टॉप से बॉटम तक। तो टॉप वाले लेयर में ही अपने पास कितने, 9 अनपेंटेड क्यूब्स हैं, तो उस तरह के 5 लेयर है अपने पास टॉप से बॉटम की तरफ, तो 9 × 5 कितने हो गए, 45 अनपेंटेड क्यूब्स आ जाएंगे इस केस में। अब इन सभी का जो समेशन है वो कितना होना चाहिए, इस टोटल क्यूब्स के बराबर होना चाहिए, तो हाउ मेनी टोटल क्यूब्स आर देयर, तो टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स कितने हैं, यहां पर टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स कितने हैं, ये 5 क्यूब है, यानी 125 है।
तो 125 टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स है, इन सभी का समेशन भी क्या होना चाहिए, 125 होना चाहिए। इसका मीनिंग क्या, सारा कैलकुलेशन अगर उनका समेशन भी 125 वाला है तो जो भी हमने कैलकुलेशन किया वो सारे कैलकुलेशन हमारे करेक्ट है। तो एक बार चेक कर दे, ये तो जीरो हो गया, ये 20 है, 60 है, तो 60 प्लस 20 80 एंड 45 125 है, तो 125 125 के क्या है, इक्वल है। इसका मीनिंग क्या है, जो भी हमने कैलकुलेशन किया वो एज इट इज हमारा सही है। नेक्स्ट हम लोगों ने क्यूब का फोर्थ केस ले रखा है, और फोर्थ केस में हम लोग क्या करने वाले, यहाँ पर हम लोग एडजेसेंट फेस को अनपेंटेड छोड़ेंगे। इससे पहले वाले केस में हमने अपोजिट फेसेस को अनपेंटेड छोड़ा था, यहाँ पर हम लोग कोई भी दो एडजेसेंट फेसेस को अनपेंटेड छोड़ेंगे और उसके बाद काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमने जो क्यूब ले रखा है वो एन इक्वल टू फोर के का केस ले रखा है, यानी यहाँ पर एन का वैल्यू कितना है, एन इक्वल टू फोर है, 1 2 3 4 2 3 4, यानी एन इक्वल टू फोर का केस। एडजेसेंट फेस हमें अनपेंटेड छोड़ना है, तो एडजेसेंट फेस अगर हमें अनपेंटेड छोड़ना है तो सपोज कर ले हम लोग क्या करते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक बैक वाले को अनपेंटेड छोड़ देते हैं। तो हमने ये अनपेंटेड कर दिया, अनपेंटेड, और ये कौन सा है, लेफ्ट फेस है, लेफ्ट फेस को हमने अनपेंटेड कर दिया, और बैक फेस को भी हम लोग क्या कर देते हैं, अनपेंटेड कर देते हैं, बैक फेस को भी हमने अनपेंटेड कर दिया। यानी हमने यहां पर दो एडजेसेंट, तो एडजेसेंट अपना लेफ्ट में और बैक में, तो वो दोनों एडजेसेंट हमने क्या कर दिया, अनपेंटेड छोड़ दिया, बाकी सभी पेंटेड है, और एज इट इज हमें क्या करना है, इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब फर्स्ट है अपना थ्री फेस पेंटेड, तो थ्री फेस पेंटेड अगर ये हम लोग नहीं ले सकते क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से अनपेंटेड है, तो एक तो ये पेंटेड होगा इसका, एक बॉटम तो ये टू फेस पेंटेड में काउंट होगा, इसको भी हम लोग नहीं ले सकते क्योंकि इसका भी लेफ्ट हैंड साइड अनपेंटेड है, हम लोग इसे भी नहीं ले सकते क्योंकि इसका भी क्या है अपने पास, बैक वाला साइड अनपेंटेड है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये अगर लें तो इसको भी नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि इसका भी बैक वाला साइड क्या है, अनपेंटेड है। तो थ्री फेस पेंटेड में एक तो हम लोग ये ले सकते हैं, एक हम लोग ये ले सकते हैं, क्योंकि अगर इसकी बात करें तो इसका फ्रंट पेंटेड है, राइट साइड पेंटेड है, टॉप पेंटेड है और बॉटम पेंटेड है, तो यानी इसमें एक तो फ्रंट ये पेंटेड है, राइट साइड पेंटेड है, बॉटम भी पेंटेड है, तो एक तो ये हम लोग काउंट कर लेंगे थ्री फेस पेंटेड में, और एक ये काउंट कर लेंगे थ्री फेस पेंटेड में, बाकी अपने पास थ्री फेस पेंटेड का यहाँ पर कोई भी ऐसा क्यूब नहीं है जो थ्री फेस पेंटेड में हो। तो थ्री फेस पेंटेड के यहाँ पर हमने कितने क्यूब ले लिए, टू, दो ऐसे क्यूब है जो थ्री फेस पेंटेड में, एक तो ये रहा और एक ये रहा, जिसमें इसका ये तो फ्रंट पे राइट साइड भी पेंटेड है, टॉप भी पेंटेड है, तो ये थ्री फेस में आ गया। इसका भी ये क्या है, तो ये पेंटेड है, ये पेंटेड है, बॉटम भी पेंटेड है, ये थ्री फेस में आ गया। अब टू फेस पेंटेड की बात करें, तो टू फेस पेंटेड की अगर हम लोग बात करें तो एक तो ये है, यहां से अगर काउंटिंग शुरू करें 1 2 3, तीन तो ये है क्लियर टू फेस पेंटेड में, यहां से चले टू फेस पेंटेड में तो 1 2, दो ये हो गए, फिर यहां से अगर लें तो 1 2 3, क्योंकि बैक अनपेंटेड है ये भी टू फेस पेंटेड में आ जाएगा, तो तीन इधर और तीन इधर आ गया 6, और टू अपने पास ये है 8, बॉटम भी अपना पेंटेड है तो बॉटम पेंटेड है तो ये भी अपने पास क्या आ जाएगा, थ्री फेस पेंटेड में ही है 1 2 3, तीन ही आ गया, बॉटम पेंटेड है, बैक साइड अनपेंटेड है, 1 2 3, ये भी अपने पास थ्री फेस पेंटेड में आ गया। एक हम लोग क्या करेंगे, यहां से जब चलेंगे नीचे की तरफ, यानी यहां से नीचे वाले फेस पर ले, तो नीचे वाले से एक बार रीचेक करते हैं अपने पास टोटल कितने थे, एक तो लेफ्ट अनपेंटेड है, एक बैक अनपेंटेड है, तो लेफ्ट और बैक जब अपने पास अनपेंटेड है तो यहां से तीन तो ये हो गया, तीन ये 6, तीन ये हो गया अपने पास 9, तीन ये 12 और ये 13 14, यानी 14 अभी हमने ले लिया, 14 क्यूब्स हैं अपने पास जो टू फेस पेंटेड हैं। लास्ट में चेक कर लेंगे उसे आइडिया लग जाएगा, तो 14 क्यूब्स अपने पास टू फेस पेंटेड है, क्योंकि एक्चुअल में इसके साथ जो हम लोग बात करें तो इसपे तो कोई टू फेस पेंटेड मिलेंगे नहीं, इस पे भी कोई टू फेस पेंटेड हमें नहीं मिल रहे, ये दो फेस हो गया, नीचे वाले जो अपने पास उसके लेफ्ट हैंड साइड वाले पर भी नहीं मिलेंगे और बैक साइड वाले पर भी नहीं मिलेंगे, यहां से जो वर्टिकल लाइन जा रहा है इस पर भी नहीं मिलेंगे, तो ये दो दो चार और एक पांच पर नहीं मिलेंगे अपने को। तो यहां से हमने ले लिया 1 2 3 4 5, इस पे हमने निकाल लिया, इस पर भी अपने को टू फेस पेंटेड नहीं मिलेंगे, इस पर भी नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट हम लोग वन फेस पेंटेड पर आते हैं, फिर उसके बाद हम लोग चेक कर लेंगे अगर कुछ बचता है तो, वन फेस पेंटेड काउंट करते हैं। इसमें ये 1 2 3 4 5 6, इसके बाद ये लेफ्ट साइड अनपेंटेड है और बैक भी अनपेंटेड है, तो लेफ्ट साइड अनपेंटेड है तो ये 6 7 8 9, ये भी अपने पास वन फेस पेंटेड में आएगा, तो ये वन फेस पेंटेड हमने ये निकाल लिया। फिर अब वन फेस पेंटेड अगर इस पर है, बॉटम पेंटेड है,
तो एक तो वन फेस पेंटेड ये आ जाएगा, एक ये भी वन फेस पेंटेड है अपने पास, यानी ये वन फेस पेंटेड हो गया। तो नाइन वन फेस पेंटेड तो यहीं पर है, सिक्स वन फेस पेंटेड इस पर आ गया, इस पर भी वन फेस पेंटेड काउंट करते हैं, तो ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वन फेस पेंटेड इस पर भी आ गया। बॉटम वाले पर अगर चलें तो बॉटम वाले पर जितने वन फेस पेंटेड यहां है उतने ही बॉटम वाले पर भी वन फेस पेंटेड होंगे। तो इसका मीनिंग क्या है कि टॉप पर वन फेस पेंटेड कितने हो गए, नाइन, तो बॉटम पर भी वन फेस पेंटेड कितने हैं, नाइन, तो हमने टू से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी टॉप और बॉटम पर हम लोग वन फेस पेंटेड काउंट कर चुके जो कि नाइन और नाइन है। लेफ्ट हैंड साइड में कोई नहीं है, बैक में कोई नहीं है, टोटल फेसेस कितने हैं, सिक्स। एक बार हम लोग आइडिया लेते हैं टोटल फेसेस कितने हैं, फेसेस अपने पास सिक्स है, जिसमें हमने टॉप और बॉटम ले लिया, तो टॉप और बॉटम ले लिया तो अपने पास कितने फेसेस बच गए, फोर। फोर में से लेफ्ट और बैक वाले पर कोई नहीं है, तो लेफ्ट और बैक वाले पर कोई नहीं है तो दो और माइनस करते कितने बच गए, टू। अब टू वाले में से अपने पास एक्स पर इस पर कितने हैं, सिक्स, और इस पर भी कितने हैं, सिक्स, तो ये टू अपने पास कितने हो जाएंगे, सिक्स मल्टीप्लाई टू, तो कितने आ गए, 18 प्लस 12 30 हो गए। तो 30 अपने पास वन फेस पेंटेड हो गए। अब नो फेस पेंटेड की बात करेंगे हम लोग, तो नो फेस पेंटेड की बात करेंगे हम लोग जिसमें से अपना लेफ्ट हैंड साइड अनपेंटेड है, बैक अनपेंटेड है, तो यहां से टॉप से चलते हैं, ये कितने 3 × 3 ये कितने 9 का है, और 9 में से टॉप वाले को छोड़ देते हैं, बाकी नीचे की तरफ चलते हैं, बॉटम वाला भी छोड़ देंगे, तो टॉप और बॉटम वाले को छोड़ देते हैं, बाकी तो हमें काउंट करना ही है। तो यहां से कितने टॉप लेयर को छोड़ दिया, टोटल लेयर्स कितने, 1, 2, 3, 4 लेयर्स है टोटल, जिसमें से टॉप और बॉटम छोड़ देना, और एक लेयर में 9 है, तो 9 मल्टीप्लाई टू 18 हो जाएगा, 18, यानी 18 क्यूब्स हैं जो अनपेंटेड है, टॉप से हमने स्टार्ट किया था और टॉप वाले को छोड़ दिया हमने, उसके नीचे जब चलेंगे सेकंड लेयर में तो 9 मिलेंगे, उसके थर्ड लेयर में 9 मिलेंगे, फिर बॉटम लेयर अपना पेंटेड वाले केस में आ जाएगा, तो टोटल कितने हो गए, 18 हो गए। अब एक बार इनका टोटल देखते हैं कि कितना आ रहा है, जैसे 18 प्लस 30 48 और प्लस अपने पास 48 प्लस 2 50 प्लस 14 64 सही है। तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स इसमें आता भी कितना, टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स इस केस में जो होता है अपने पास वो 4 क्यूब होता और 64 होता। इसका मीनिंग क्या है कि अपना ये सारा मिलाकर के भी कितना हो रहा है, 64 है। इस तरह से हमने क्या कर लिया, यहां पर कैलकुलेट कर लिया।